अजमेर नगर निगम के उपमहापौर नीरज जैन और अजमेर नगर निगम के कई पार्षदों ने जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन की जानकारी देते हुए उपमहापौर नीरज जैन ने बताया कि जिलाधीश महोदय को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन शहरों के संग अभियान के द्वारा पट्टा वितरण व्यवस्था के तहत अधिक से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने की मांग की गई है। वहीं जैन ने कहा कि अजमेर शहर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और जंगल विभाग द्वारा बार बार यह दावा किया जाता है कि यह भूमि उनके अधीन आती है, जिसके तहत रामदेव नगर कच्ची बस्ती, दाता नगर कच्ची बस्ती, प्रताप नगर, लोहा खान, घूगरा घाटी या आदर्श नगर बालूपुरा क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में 50 वर्षों से भी अधिक समय से लोग निवास करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहां पर सीमांकन नहीं हो पाया है कि कहां तक जंगलात विभाग की भूमि है और कहां तक आबादी की भूमि है। कौन सी भूमि नगर निगम या एडीए के अधीन आती है, यह जानकारी अभी तक विभागों को नहीं है। वहीं अजमेर शहर में आने वाली कच्ची बस्तियों में 12 कच्ची बस्तियां नगर निगम के अधीन है और साथ ही 48 कच्ची बस्तियां एडीए के अधीन है। ज्ञापन के माध्यम से जिलाधीश महोदय से मांग की गई है कि सभी कच्ची बस्तियों को नगर निगम के अधीन कर वहां के निवासियों को पट्टे वितरण कराया जाए। हाल ही होने वाले प्रशासन शहरों के संग जो कैंप लगने वाले हैं, उन कैंपों में अधिक से अधिक अजमेर की जनता को रिलीफ मिले, अधिक से अधिक आम जन के पट्टे बन पाए, इस मुद्दे को लेकर के आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया है। क्योंकि हम सभी पार्षद जिन क्षेत्रों से आते हैं, अजमेर चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और उस पहाड़ी क्षेत्र में जंगलात विभाग द्वारा बार बार इस प्रकार का दावा करना कि यह ज़मीन जंगलात की है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, लेकिन वहाँ 50 साल से 55 साल से जो निवास कर रहे हैं, चाहे वो रामदेव नगर कच्ची बस्ती हो, चाहे दाता नगर कच्ची बस्ती हो, चाहे प्रताप नगर लोहा खान हो, चाहे घूगरा घाटी हो, ये उस चाहे इसी प्रकार आदर्श नगर के जो बालूपुरा क्षेत्र हो, इन क्षेत्रों में आज दिन तक ये तरमीम नहीं हो पाया, वो सीमांकन नहीं है, वो पीटी सर्वे नहीं है कि कहाँ तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और कहाँ तक आबादी की भूमि है, नगर निगम की भूमि है, एडीए की भूमि है या निजी खातेदारी की भूमि है। तो आज हमारे द्वारा सभी पार्षद बंधुओं द्वारा मांग की गई है कि पुनः इसका हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट सर्वे कराया जाए, डिमार्केशन कराया जाए, सीमांकन हो और इसका तरमीम हो करके ही ये सर्वे हो, जिससे कि अधिक से अधिक आमजन को राहत मिल सके, उनको पट्टे दिए जा सके। इसके अतिरिक्त हमारे अजमेर की जो नोटिफाइड कच्ची बस्तियां हैं, जिसमें 12 बस्तियां तो नगर निगम के पास है, तकरीबन 48 बस्तियां एडीए के पास हैं, हमारे द्वारा मांग की गई है कि 69A में रिलैक्सेशन दे करके इन बस्तियों को डी नोटिफाई किया जाए, क्योंकि ये बस्तियां जो नोटिफाइड बस्तियां हैं उनमें सड़क नाली बिजली सब काम हो चुके, लेकिन पट्टे नहीं दिए जा रहे या पट्टे देने में कहीं ना कहीं अड़चन आ रही है, डी नोटिफाई करके इनको निगम को अधिकृत कर दिया जाए, निगम वहाँ पर पट्टे दे सके, जिससे कि आम जन को राहत मिल सके, आम जन को पट्टे मिल सके। राजस्थान सरकार, नगर निगम पार्षद सभी मिलकर आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगने वाला है, जिसमें कई कच्ची बस्तियाँ ऐसी हैं और कई फॉरेस्ट का क्षेत्र ऐसा है जहाँ आबादी बस चुकी है। कलेक्टर साहब से हमने यही निवेदन किया है, ज्ञापन देकर सभी 15 पार्षदों ने, कि एक हाई रेवोल्यूशन सैटेलाइट सर्वे करवाएं, जिससे कि इस क्षेत्र का आकलन किया जा सके और स्पष्टीकरण किया जा सके, जिससे कि हमें भी और जनता को और प्रशासन को परेशानी नहीं हो, सही समय पर जो प्रशासन शहरों की ओर शिविर लगेगा उसका लाभ जनता को मिल पाए। तो कलेक्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है कि जो भी कॉलोनीज़ हैं, जितनी भी कॉलोनीज हैं, सभी पार्षदों के साथ में मिलकर नीरज भाई साहब के सानिध्य में आकर सब लोगों ने यहाँ पर ज्ञापन दिया कलेक्टर साहब को। कलेक्टर साहब ने पूरा विश्वास दिलाया है, जल्द से जल्द जॉइंट मीटिंग करेंगे, उसके अंदर वन विभाग और नगर निगम प्रशासन और जितने भी तहसील के ऑफिस हैं उनको सबको बैठा कर मीटिंग का कर और जल्द से जल्द हम लोग सभी यही कोशिश कर रहे हैं, जो भी कच्ची बस्तियाँ हैं और जो आबादियाँ करीबन 50 से 55 सालों से अपने साथ रह रही हैं और वार्ड में रह रही है, तो हम सभी की जिम्मेदारी बनती है उन लोगों, तो जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं और प्रशासन शहरों की और जो पट्टे मिलने की व्यवस्था है उसके अंदर अधिक से अधिक लाभ मिले उनको। नरेंद्र तुंडवाल, वार्ड 62 से पार्षद। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKB न्यूज़, सच्चाई की वापसी।